आज हम बात करने वाले हैं अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आई डी लॉग इन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका अकाउंट लॉग इन नहीं होता है और आपको यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट इनएक्टिव प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर सपोर्ट टू एक्टिवेट इट तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है इसे कैसे ठीक करेंगे आइए जान लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट का अकाउंट डिलीट करते हैं और उसके बाद डिलीट करने के बाद फिर से लॉग इन करते हैं तो आपको शो होता है आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है और कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके आप इसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से बाहर आइए और अपने फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए ओपन करने के बाद ऊपर सर्च पे क्लिक करिए और टाइप करिए फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट टाइप करके सर्च करेंगे तो उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा का ये वाली वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम इस पे क्लिक करके रखिए ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप पे क्लिक करिए नीचे ये जो दूसरा टैब ओपन हुआ है इस पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद ऊपर तीन डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ पर सबसे पहले लॉग इन क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर लॉग इन क्लिक करने के बाद अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आप साइट सेटिंग्स में जाकर कुकीज़ पे क्लिक करके अलाउ करिए अब यहाँ पर हम फिर से रिफ्रेश कर लेंगे और ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा अब ऊपर तीन डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को चालू करिए ऑन करिए उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए अब यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जूम करिए अब अपना फोन नंबर एंटर करिए जो कि आपका अकाउंट इनएक्टिवेट है जो कि लॉगिन इन नहीं हो रहा है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में उसके बाद आपको मिलेगा एंटर पासवर्ड तो पासवर्ड आपको पता नहीं होगा तो फॉरगोट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर फॉरगॉट पे क्लिक कर देंगे अब उसके बाद आपके इस नंबर पर एक ओ सेंड किया जाएगा तो वो ओ टी पी यहां पर आप एंटर करिए तो हमारा ओ टी पी आ चुका है हम एंटर करेंगे उसके बाद सेट पासवर्ड पे क्लिक करिए और यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करिए अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट का उसके बाद रिएक्टिवेट पे क्लिक करिए थोड़ा सा वेट करिए और यहाँ पर आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा देख सकते हैं कुछ इस टाइप से अब आप इसे फिर से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर रीसेंड कोड करेंगे आपके नंबर पर ओ जाएगा ओ वेरीफाई करेंगे ओ एंटर करके अगर इसी फोन में ओ आएगा तो यहां पर ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा तो अगर ओ नहीं आएगा तो यूज पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि आपने अभी बनाया है उसके बाद कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे और देख सकते हैं अकाउंट लॉग हो जाएगा तो इस टाइप से यहाँ पर अगर आपका फ्लिपकार्ट का अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है तो फिर से आप उसे रिएक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें